साकोली विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवार सोमदत्त करंजेकर ने कहा कि हमारे पास युवाओं के लिए बहुत सारे विजन हैं, उनके लिए नौकरियां हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध है, साथ ही साकोली के लिए बहुत सारे विकास कार्य हैं। सोमदत्त करंजेकर ने कहा कि साकोली को नाना पटोले ने खोखला कर दिया है। गांव की सड़कों का हाल देख लीजिए, सड़कें खस्ता हाल है, साथ ही किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। नाना पटोले अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन किसानों के हित के लिए क्या काम कर रहे हैं ये वे खुद नहीं जानते। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साकोली विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ आप देख रहे होंगे सोमदत्त करंजेकर जी हैं। डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर जी ने जितनी मेहनत साकोली विधानसभा में अपक्ष उम्मीदवार के रहते हुए की है, इतनी शायद जो यहां पर महाविकास अघाड़ी और महायुति से जो लड़ रहे हैं उन्होंने नहीं की होगी। सर, पहले तो स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। कई बार आपका इंटरव्यू ले चुके हैं और दिखा चुके हैं लोगों को कि किस तरीके का चुनाव प्रचार आपके क्षेत्र में चल रहा है। एक अपक्ष उम्मीदवार का चुनाव प्रचार इतना तगड़ा नहीं होता। सही बात है आपकी, क्योंकि मैं भाजपा का ही हूँ और क्या है, अपक्ष रहने के फायदे ये है कि भाजपा को भी चलता है, कांग्रेस को भी चलता है, बीएसपी वंचित सबको चलता है, क्योंकि लगभग यहाँ पे 25 साल जिनको हमने अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने एक क्षेत्र का विकास नहीं किया, आने वाली पीढ़ी खराब करने का काम किया है। इसीलिए सभी को बदलाव चाहिए और ये परिवर्तन के लिए पूरी लिस्ट जो है उसमें से सबको मेरा चेहरा, मतलब मेरा जो व्यक्तिमत्व है वो ठीक लग रहा होगा, इसीलिए लगभग सभी का साथ है। आपके जो रैलियां निकली हैं, जैसे लाखांदूर में भी लगभग 4-5 हज़ार लोग आपके साथ में शामिल रहे, मतलब हो सकता है ज्यादा भी हो, मेरा आंकड़ा गलत हो, लेकिन 4-5 हज़ार लोग थे। यहाँ पर भी साकोली में भी जो हुआ यहाँ पर भी काफी थे, लाखनी में भी काफी रहे, तो ये लोग कहाँ से कैसे आए, क्योंकि ऐसे इतने लोग एक साथ नहीं आ जाते, ये तो पूरा हुजूम आया आपके साथ। बिल्कुल सही बात है, और इतने लोग अगर पैसे देके भी नहीं ला सकते, इतनी भी किसी की कैपेसिटी नहीं होती है, तो ये सारे लोग खुद के मन से आए, क्योंकि यहाँ परिवर्तन होना है ये जनता ने ठान लिया है, और इसीलिए ये परिवर्तन के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी सुखी रहे, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज मिले जो आज नहीं मिल रही है, वो मिलेगी ऐसा उनका विश्वास है, इसलिए सारे लोग जुड़ रहे हैं। नाना पटोले यहाँ पर काफी मजबूत दावेदार माने जाते हैं, उनका कहना होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ लें तो भी मैं नहीं हारूंगा। इतना बड़ा दावा और इतना बड़ा विश्वास ऐसे कैसे हो गया और इस बार भी चुनाव प्रचार में वो ज्यादा नजर नहीं आए? ये पॉलिटिकल स्टंट्स है, उन्होंने ऐसा बोला इसलिए आपने नोटिस किया और अभी आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। यही वो चाहते हैं कि चर्चा में रहने के लिए एक तो आपका काम होना चाहिए, काम नहीं है तो फिर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स देके चर्चा में रहने के लिए करते हैं। नहीं तो क्योंकि हमने साकोली विधानसभा पूरा क्षेत्र घूमा और आपके साथ भी हम जगह जगह गए, यहाँ पर जो सड़कें हैं कई जगह तो बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल है, बहुत बुरा हाल है सड़कों का, तो आप सोचिए कि जो ग्रामीण है वो बेचारे कैसे वहाँ पे जीवन यापन करते होंगे, किस तरीके से वो आते जाते होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो किसान के लिए होती है कि सड़क अगर खराब है तो किसान आना जाना कैसे करेगा, अगर कोई बीमार है तो वो बेचारा वहीं रास्ते में मर जाएगा, तो इतनी खस्ता हाल सड़क है उसके बावजूद भी वो ऐसे दावे कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है सड़कों का और सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, आरोग्य व्यवस्था का बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, कोई मेजर फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, तो ये बुरे हाल है और ये छुपाने के लिए ही वो ऐसे दावे करते हैं। अच्छा, छिपाने के लिए दावे कर रहे हैं। हाँ। ये तो मतलब एक तरह से पूरी तरह से माहौल बनाना वाला, माहौल बनाने वाली बात हो गई कि मतलब माहौल बना दीजिए बाकी कुछ मत करिए। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब वही होता है ना जो जादूगर होता है, जादू दिखाता है लेकिन असल में होता कुछ नहीं है। हाँ। वो आंखों का धोखा होता है, तो वो धोखा दे रहे हैं एक तरह से, आपका ये कहना है? हाँ, और क्या है कि अगर ऐसी एक बार कोई आंखों का धोखा कर सकता है, हमें अच्छा लगता है, ताली भी बजा देंगे, दूसरी बार करेंगे फिर लोग सोचते हैं यार ये तो कुछ जम नहीं रहा है, तीसरी बार चौथी बार में पकड़ ही लेते हैं और भैया की तो 5 बार हो गई है, तो इस बार नहीं चलेगी जी। मेरा एक चीज और है, सवाल है, एक चीज और जानना चाहूंगा, यहाँ पर पूरा माहौल खैर जो भी है आपके पक्ष में बनता तो दिखाई दे रहा है, खैर 23 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, असल तस्वीर सामने आ जाएगी। आप जनता के जो मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपने जॉब फेयर भी लगाया, यहाँ पे बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है तो उसको कैसे दूर करेंगे, ये सड़कों का जो बुरा हाल है उसको कैसे दूर करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं,
अगर आप चुन के आते हैं तो क्या क्या करने वाले हैं और कितने दिन में करने वाले? जैसा आपने बोला अभी की जॉब फेयर के बारे में, तो ये मैं साल में 3 या 4 करता हूँ, जिसमें 800 से 1000 युवाओं को अच्छे कंपनीज में अच्छे रोजगार लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये मैं मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता हूँ, इसमें भी खर्चा होता है, पूरे भारत से कंपनीज लाना, HR लोगों को लाना, उनकी व्यवस्था करना यहाँ पे। लेकिन चुन के आने के बाद तीनों तालुके में 3 सेपरेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्थायी स्वरूप से वहीं पे रहेंगे और वो 365 दिन काम करेंगे और वहाँ पे अपना बायोडाटा देके लेके लड़के लड़कियाँ जाएंगे और इधर क्या ओपनिंग्स हैं और इनका क्या क्वालिफिकेशन है वो मैच करके उनको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। अगर उनको कोई स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग चाहिए वो भी निःशुल्क देंगे। NSDC के बहुत सारे कोर्सेस हैं, मतलब बहुत सारे, हमारे से जो होगा वो या गवर्नमेंट के स्कीम्स से वो उनको देंगे, ट्रेन करेंगे और फिर उनका प्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पर किसानों का बड़ा मुद्दा है, बहुत सारी समस्याएं किसानों को हैं और जो रोड का आपने कहा कि आप देखेंगे यहाँ जितने भी काम ऑलरेडी हुए हैं वो 2014 से 19 के बीच में हुए हैं, 12 बहु के समय में भी उन्होंने हर गांव में कुछ ना कुछ किया। उसके बाद भी अगर कहीं कोई मतलब इन्होंने उस पे सीमेंट लगाने का भी काम नहीं किया, तो बड़ा बहू का साथ है, उनको ये सबका अभ्यास है, मेरा भी स्पेशलाइजेशन मतलब इंजीनियरिंग में ही है, तो वो जो मूलभूत सुविधाएं है उस वो तो इमीडिएटली ठीक करने पे हमारा फोकस है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दो दो आमदार एक साथ काम करेंगे आप, ऐसा कुछ है? तीन तीन है, इंचिलवर साहब भी है। अच्छा, तीन तीन आमदार है, मतलब जीतेंगे एक लेकिन काम तीन तीन आमदार करेंगे, तीन गुना होगा, तीन गुना होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। किसानों के मुद्दे की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर किसानों का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे है किसानों के, वो क्या करेंगे जी? यहाँ पे कुछ ऐसा पोर्शन है जिसमें सिंचन के पानी के प्रॉब्लम्स है, तो मतलब ये जो लाखनी के ऊपर का पट्टा है तो वहाँ पे करजखेड़ा फेज 2 का ऑलरेडी मतलब प्रोजेक्ट है, सैंक्शनड है, उसको शुरू करके वैनगंगा का पानी वहाँ लाना है। फिर लाखनदूर में उल्टा प्रॉब्लम है, वहाँ जो गोसेखुर्द का काम अधूरा रह गया उसके कारण पानी खेत में जाता है, ज्यादा बारिश होने के बाद और फसल बर्बाद होती है, तो वो काम पूरा करके वो उसको कैनल को चुलबंद नदी को जोड़ना है। उसके बाद यहाँ मेन किसानों का ये इलेक्ट्रिसिटी का है, वो तो हमारा प्रॉमिस है कि कम दिन में 12 घंटे की बिजली हम दिलाएंगे। उसके बाद जो सोलर पंप्स है उसके लिए भी जो प्रमाण में बाकी महाराष्ट्र में या गुजरात में कहिए तेलंगाना में, वो प्रमाण में यहाँ नहीं है, उस पर सब्सिडी भी है गवर्नमेंट की, उसको प्रमोट करेंगे। और जो खेती पूरक व्यवसाय जिसको कहते हैं, दूध हो गया, मासेमारी हो गया, फल उत्पादन करके उसको ये करना या फिर फूड प्रोसेसिंग हो गया, ये यहाँ नहीं के बराबर है, तो उस पे काम करके उस पे उसके ट्रेनिंग कर देके चाहिए वो नाबार्ड से हेल्प करके, और PK भी है पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, इससे इन सारे चीजों का ट्रेनिंग देके इसको पूरी तरह से मतलब खेती पूरक व्यवसाय बढ़ा के ही यहाँ का जो एरिया है वो सुजलाम सुफलाम होगा। उसका प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करेंगे, वो क्वालिटी का बनाएंगे पहले तो, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमी अच्छे से ग्रो होगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, अभी हमने जॉब की बात की, यहाँ पर आपके यहाँ भेल एक अभी यहाँ फैक्ट्री मतलब वो पूरा कारखाना टाइप का लगा हुआ है, बहुत बड़ा जगह भी घिरी हुई है, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुआ। अगर वो चालू हो जाता है तो यहाँ जो लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा, बाहर से भी लोग जो आएंगे उनको भी रोज़गार मिलेगा, लेकिन वो चालू नहीं हुआ, वो अभी तक बंद है। आमदार आपके यहाँ पर नाना पटोले जैसे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस के, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो मुद्दा कहीं ना कहीं छिप जाता है, वो कैसे पूरा होगा, वो कैसे चालू होगा, ये बहुत बड़ी समस्या। और साकोली वासी, जितने भी साकोली विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, वो चाहते हैं कि भेल जल्दी से जल्दी शुरू हो। बिल्कुल, ये 2012 में भेल यहाँ पे लाया गया था और 2013 में जमीन ली गई, अभी 11 साल हो गए लगभग, फिर 2014 में इलेक्शन हारने के बाद उसमें भाई जी का कुछ इंटरेस्ट रहा नहीं, नए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए नाना पटोले उनको वो विजन नहीं है, तो चालू प्रोजेक्ट बंद हो गया उनके रहते हुए। फिर भी
पांच साल आगे कुछ हुआ नहीं और अभी नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। ये जमीन है MIDC की, तो हमने MIDC को कहा कि आप फिर इनको अगर हम प्राइवेट आपका लैंड लेते हैं और हम स्टिपुलेटेड पीरियड में जिसके लिए जमीन लिए शुरू नहीं करते, आप तो हमको अगले दिन नोटिस भेज दोगे, तो इनको 10-11 साल से कुछ भी नहीं, तो किसानों को बोने दो या वहां पे इंडस्ट्री जो पर्पस के लिए लिया है वो शुरू करवाओ। फिर MIDC ने इनको नोटिस दिया, ये भेल कोर्ट में गया, स्टे लाया, लेकिन हमारा यही स्टैंड है कि भेल जल्द से जल्द शुरू हो, नहीं तो MIDC इसको खाली कराए। और यहाँ पे फिर नितिन जी से भी हमारी चर्चा हुई है और यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप हो सकता है, क्योंकि आप 100 किलोमीटर पूरब की तरफ जाएंगे तो दुर्ग, भिलाई, रायपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है। वेस्ट में 100 किलोमीटर जाएंगे तो मिहान, बुटीबोरी 5-स्टार MIDC, हिंगना MIDC, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और दोनों के बीच में नेशनल हाईवे 6 पे देश के मध्य में बहुत अच्छा ये यहाँ पे स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप करने का। ये जिले में, भंडारा जिले में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 12-15 ITI कॉलेजेस, तो ये सब है, मतलब मेन मशीन मटेरियल मेथड मनी ऐसा जो कहते हैं, लगभग सारी चीजें हैं। विलिंगनेस की कमी थी और वो विलिंगनेस अभी हमारे रूप से यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली वो ट्रेन आगे बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा सवाल है जो वाकई मतलब गंभीर भी है। यहाँ पर देखिए, हमारी टीम यहाँ पर घूमी है, आपको भी दिखाया, हमने सबको दिखाया यहाँ पर, लेकिन हमें लालच भी दिया गया, इसके अलावा डराया धमका भी गया, मतलब कहीं से बोला जा रहा है कि मतलब ऐसे मत करो, आप बहुत, आपके साथ समस्या हो जाएगी, आप अकेले घूम रहे गाड़ी में, बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं। तो क्या आपके कार्यकर्ताओं को भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी, डे वन से हो रहा है और आज चुनाव का आखिरी दिन है। इवन आज भी हमें बहुत ज्यादा धमकी के फोन आए और मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल पे। एक तो बहुत एक्सट्रीम झूठ झूठ बोलना ताकि हम लोग डिस्टर्ब हो जाए, बेसलेस बातें करना, दूसरा हमको पर्सनली धमकाना, तीसरा कार्यकर्ताओं को जो जो फोटो में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको क्या कहते हैं, ब्राइब करने का की कोशिश करना, या जो जो वीडियो में दिख रहे हैं उनको ब्राइब करने की कोशिश करना, या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम धमकाना कि वो टूट जाए अंदर से। इतना ज्यादा ये दादागिरी जो है यहाँ पे चल रही है, लेकिन लोग उसकी कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग डर के आगे निकल के इसकी चिंता नहीं करते हुए और उल्टा ये मतलब और ज्यादा जोर से जुड़ रहे हैं। ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है ना कि जो जितना डराया जा रहा है, हमें भी डराने की कोशिश की, ब्राइब देने की कोशिश की, लेकिन ना हम डरे ना ब्राइब ली, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, अडिग हैं, कोई हमें डर नहीं, किस कुछ भी नहीं है। ऐसी जनता भी तो है ना, 20 तारीख को बता देगी। हाँ, एग्जैक्टली वही, जनता होशियार है। ये सारी चीजें आप करोगे, धमकाना और ऐसी माल प्रैक्टिसेस यहाँ पे जो करते हैं, लोग पता है, लोगों को पता है कौन करता है। तो कल तो शायद एक कार्यकर्ता का, BJP के ही कार्यकर्ता का मतलब उसको भी मार डालने की धमकी दी, मतलब एक BJP कार्यकर्ता ने एक सीनियर कार्यकर्ता का जो 4 साल पूर्णकालिक भी रहा है। तो ये देखते हुए लोग और समझदार हो रहे हैं कि हमें कैसा फ्यूचर चाहिए, हमें कैसा यहाँ नेतृत्व चाहिए। तो इसमें उन्होंने कंप्लेंट कराई या नहीं कराई? मेरे हिसाब से पुलिस में कंप्लेंट की है। पुलिस में कंप्लेंट की, चलिए खैर ठीक है सर, जो भी चीज़ें हैं, रिजल्ट खैर जिसके फेवर में भी रहे, लेकिन यहाँ का जो साखोली का जो चुनाव है, बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव रहा और आपने जो मेहनत की है वो वाकई काबिल तारीफ है, उसका मेहनत का चीज़ दिख भी रही है, जनता आपके साथ भी दिखी है। तो क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, तो अपील का तो मतलब ये जनता क्या ही चुनाव है, मेरे को हर एक पल यही लगा कि लोगों के मन में परिवर्तन लाना है और खुद से जुड़ रहे हैं, हर पक्ष के पक्षपात के ऊपर जाके, जात पात के ऊपर जाके, हर स्तर के लोग, हर स्तर के ऊपर जाके सब लोग इतने ज्यादा
इसमें खुद होके जुड़ रहे हैं। अभी हम कहीं जाते हैं, कौन स्वागत कर रहा है, कौन फटाका फोड़ रहा है, कौन नाश्ता दे रहा है, कौन, मतलब ये सब जनता का चुनाव है और ये जनता ने अपने कंधों पे लिया है और परिवर्तन करने का उन्होंने ठान लिया है। मेरा बस सबको, जनता जनार्दन माय बाप है, ये लोकशाही है और अपना फ्यूचर कैसा होगा ये डिसाइड हम ही करते हैं। फिर हमें उसके बाद 5 साल किसी और को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो वोट देने के टाइम पे हमने क्या किया। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है सबसे कि इस बार विकास को वोट दीजिए, वोट का सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल, वोट का सही इस्तेमाल करते हुए हमारा फ्यूचर कैसा हो, बच्चों का आने वाला फ्यूचर कैसा हो, ये सोचते हुए विकास को वोट देना है, नहीं तो ये अपनी जो आने वाली जनरेशन है वो फिर हमें कोसेगी। इसीलिए पक्का, और मुझे विश्वास है कि इस बार विकास के लिए, परिवर्तन के लिए जनता वोट देने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं मनीष कुमार अंकुर, साकोली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद।